हेलो ट्रेडर्स, कैसे आप सब लोग। तो वेलकम टू दी डून ट्रेडर। तो ये वीडियो जो बिगनर्स के लिए है वो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है और शायद ही आपको पूरे यूट्यूब में ना मिले ये वीडियो। तो लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग से हम पैसा कमा सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग से आप डेफिनेटली, स्विंग ट्रेडिंग जो है वो सबसे बेस्ट, ठीक है, और सबसे सेफ ट्रेडिंग होती है। और बड़े बड़े लोग जो आप बड़े प्लेयर रहते हैं स्टॉक मार्केट के, वो स्विंग ट्रेडिंग ही करते हैं। तो अब स्विंग ट्रेडिंग के हम एडवांटेज जान लेते हैं क्या होते हैं थोड़े शॉर्ट में। पहला एडवांटेज आपका यह है कि स्विंग ट्रेडिंग जो होता है वो आप रिस्क फ्री होता है एकदम, ठीक है, इसमें रिस्क कुछ नहीं होता है। और दूसरे है आपका, जब मर्जी आप तब तक होल्ड कर सकते हो, चाहे आप एक साल करें, चाहे आप दो साल करें, चाहे एक दिन करें, चाहे दो दिन करें। तो मैक्सिमम जो होता है वो एक दिन से ज्यादा करो तो उसे स्विंग ट्रेडिंग बोल देते हैं, या तो बीटीएसटी ट्रेडिंग, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और इस ट्रेडिंग में सी चीजें हैं, ठीक है, वो अभी अगर ये वीडियो में आपको मैं बताऊंगा तो ये वीडियो जो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने एक अगली वीडियो पूरी स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर है, ये स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर है, और मैं अगली जो वीडियो है वो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर बनाऊंगा। अब हम बात करने वाले हैं स्टॉक सिलेक्शन की। तो अब बात करते हैं हम स्टॉक सिलेक्शन में। सबसे पहले रोल प्ले करता है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, आप जिस भी शेयर में आप अपना पैसा डाल रहे हो वो शेयर टेक्निकल स्ट्रांग है कि नहीं है, ठीक है, तो वो होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस की मैं वीडियो भी आगे डालूंगा, मगर यह है स्टॉक सिलेक्शन की, ठीक है। तो जो ट्रेडिंग वाले होते हैं वो ज्यादा फंडामेंटल में ध्यान नहीं देते हैं, सबसे पहले आप अपने एक बात क्लियर कर लो। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो भी आप स्टॉक अगर पिक करते हो तो वो स्टॉक हमेशा होना चाहिए अप ट्रेंड में, जैसे कि अभी मैं आपको स्क्रीन में भी बताऊंगा। अब आते हैं हम वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम जो होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टॉक को उठाने या गिराने में, ठीक है। तो उसमें वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम में कितने लोग उस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं वो होता है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम आएगा तभी स्टॉक ऊपर बढ़ेगा, और वॉल्यूम आएगा तभी नीचे आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो हमें जब ढूंढना है लॉन्ग के लिए, मतलब आपको स्टॉक बाय करना है, तो हमें उसमें वॉल्यूम अच्छी होनी चाहिए, तभी स्टॉक अच्छा खासा भागेगा, वरना वो उससे कंसोलिडेट होते रहेगा काफ़ी टाइम तक, ठीक है। तो पहला टॉपिक आपका वॉल्यूम का क्लियर हो गया। तो आप वॉल्यूम वाले स्टॉक कहाँ से ढूंढेंगे, अब ये आपका नेक्स्ट चैलेंज आता है कि आप वॉल्यूम वाले स्टॉक कहाँ से ढूंढेंगे। तो हमारे बहुत सारे स्कैनर हैं जिससे आप वॉल्यूम के स्टॉक ढूंढ सकते हैं। तो मैं एक दो स्कैनर आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और स्क्रीन में दिखा भी दूंगा कि कैसे काम करते हैं। तो धीरे धीरे जैसे आप वॉच लिस्ट आपकी क्रिएट होते रहेगी धीरे धीरे, तो आपको उन स्कैनर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर एज अ बिगनिंग तो आपको स्कैनर चाहिए होते हैं, क्योंकि आपको स्टॉक्स मिलते नहीं हैं। तो आपको स्कैनर मैं आपको दे दूंगा, धीरे धीरे आपकी जैसे वॉच लिस्ट क्रिएट होते रहेगी तो आपको उनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में। तो हेलो गाइस, अब आ चुके हैं हम स्क्रीन में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि जो भी आप स्टॉक पिक करते हो तो वो स्टॉक हमेशा जो होना चाहिए वो होना चाहिए अप ट्रेंड में। तो अप ट्रेंड आपको कैसा पता चलेगा, अप ट्रेंड जो भी स्टॉक है वो जब अप ट्रेंड में होता है वो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, ठीक है, तो कुछ ऐसा फॉर्म करता है। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा सबसे पहले आपको ट्रेंड लाइन मार्क करनी है देखने के लिए अप ट्रेंड है। तो जैसे कि ये स्टॉक जो है आप देख सकते हैं, ये स्टॉक हम यहाँ से पहले मैं इसमें आपको समझाने के लिए, तो ये ब्रश है हमारा। तो जैसे कि स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, फिर इसी ट्रेंड लाइन में यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर अप गया, फिर इसी ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लिया, ठीक है, तो ये अप ट्रेंड है। तो हम ऐसे बाइंग अपॉर्चुनिटीज में ढूंढेंगे, या तो हम ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ढूंढेंगे और हम इसमें प्राइस एक्शन भी यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ से इसमें सपोर्ट एज अ सपोर्ट, कोई हम सपोर्ट वाला स्टॉक ढूंढना है जो कि अच्छा सपोर्ट में हो, और या तो स्टॉक हमारा कहीं से नेक्स्ट, मैं आपको बताता हूँ कि पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो नेक्स्टली मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, इसे इरेज कर देता हूँ मैं सबसे पहले। और जैसे कि एक मैंने आपको एक बता दिया कि ऐसे आपको सेलेक्ट चूज करने हैं, और एक होता है जैसे साइडवेज मार्केट, ये देख सकते हैं आप साइडवेज, या तो कहीं ऊपर से ये तोड़ के, इसे हाई को तोड़ के नीचे आता है मार्केट, फिर इस लेवल में जो है हमारा ये सपोर्ट लेवल बन जाता है, ये देख सकते हैं आप, ये सपोर्ट लेवल है। जैसे ये मार्केट यहाँ से आया, आप यहाँ पर बाइंग की प्लानिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक और बारी में आपको समझा दूं, जैसे कि स्टॉक यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, यहाँ पर भी हम बाइंग की कर सकते हैं, यहाँ पर भी बाइंग की। ये जैसे कि यहाँ से सपोर्ट तोड़ के आया, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि ये स्टॉक यहीं पर ही आके जो है होल्ड करेगा, इसके बाद अब ट्रेंड में जाएगा। तो यही हमारा अभी
आपको ऐसे स्टॉक ही ढूंढना है जो अपना बेस में हो, ठीक है, और जो अपना ट्रेंड लाइन में सपोर्ट ले रहे हो, ठीक है। और भी सारी चीजें ईए में भी होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में सारी स्ट्रेटेजीज बता दूंगा। अभी के लिए ये वीडियो लंबी हो जाएगी, अभी मैं ये वीडियो जो होती है वो स्टॉक सिलेक्शन के लिए, कि आपको कौन से स्टॉक सेलेक्ट करना है जो स्टॉक बेस में हो अपने। और नेक्स्ट वीडियो, अब मैं नेक्स्ट आपको चीज बताऊंगा, अब थोड़ा चार्ट में देख लेते हैं कि आपको कैसे 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 करना है स्टॉक सेलेक्ट। एयरलाइंस का अपना चार्ट है, तो आप देख सकते हैं ये अभी जो है, जो एयरलाइंस का चार्ट है वो ये है अप ट्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं अप ट्रेंड, और ये अच्छे यहाँ पर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में था। तो अगर आप यहाँ पर ये आपको स्टॉक मिलता तो आप यहाँ से बाइंग करके अच्छा खासा आप मूव कैप्चर कर लेते, जैसे कि यहाँ पर भी अभी हुआ, यहाँ पर भी बाइंग आई थी, ठीक है। और प्राइस एक्शन अगर बात करें प्राइस एक्शन की, तो प्राइस एक्शन भी इसमें वर्क करता है, देख सकते हैं यहाँ से ये ब्रेक हुआ, यहाँ से हमारी बाइंग अच्छी खासी बनी। तो अभी के लिए मैं सारा ये डिलीट करता हूँ और बात करते हैं आप वॉल्यूम वाले स्टॉक कहाँ से ढूंढोगे। तो आपके बहुत सारे आपके स्कैनर आते हैं, जैसे कि मैंने सर्च करा हुआ है आपके लिए, तो ये सारे बहुत सारे स्कैनर है, तो आप इसमें क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं। अभी आप कुछ टाइम पहले, अभी जैसे इसमें स्कैनर अभी इस वाले में नहीं आ रहा है, तो आपके बहुत सारे स्कैनर है, तो आप इसे यूज करके अपने स्टॉक की वॉच लिस्ट अच्छी बना सकते हैं, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना। अभी तो देख सकते हैं जो है हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, अभी निफ्टी वगैरह सब अभी डाउन में है। तो अभी के लिए बस मैं आपको ये बता रहा था कि आपको कभी जब भी जब निफ्टी अप ट्रेंड में आएगा, तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी कैच करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही बेसिक बताया है, क्योंकि आप जब बिगनिंग में होते हो तो आपको, मैं अगर आपको एडवांस चीज़ें अगर बता भी दूंगा तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको जो बहुत मेन चीज़ थी, और मैं आपको एडवांस बता भी दूं तो आपका उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप जब तक बेसिक आपका क्लियर नहीं होगा, मैं आपको कितनी भी एडवांस वाली चीज़ें बता दूं तो आपका उससे कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला है। तो इसके लिए जो है मैं इसके पार्ट लाने वाला हूं, एक प्लेलिस्ट लाने वाला हूं पूरा स्टॉक मार्केट पूरे ट्रेडिंग के ऊपर, उसके लिए आपको अगली वीडियो मेरी देखनी होगी। तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही था, और जो ये स्टॉक सिलेक्शन के भी है उसके भी दो पार्ट आने वाले हैं, तो इसके बाद में थोड़ा इसके एडवांस बताऊंगा आपको। पहले जितना मैंने बताया आपको उतना सीखना है, ठीक है, क्योंकि लेस इज मोर, आप कम सीखोगे और अच्छे से सीखोगे उसमें आपका फ़ायदा है, क्योंकि अगर मैं आपको 10 चीज़ें बता दूँ आपको एक भी ना है तो आपका उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने आपको अभी जो बताया है उसमें आप मेन फोकस करें, अच्छे से उसमें काम करें, तो आपको धीरे धीरे आपको बेसिक समझ में आ जाएगा, और इसका अगला जो पार्ट होगा उसमें थोड़ा एडवांस लेवल में होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कराया तो कर दो, इसमें पूरी अभी प्लेलिस्ट आने वाली है, वो भी फ्री में, आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाला है ऐसा कंटेंट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।